सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नया एपिसोड पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड का। पोकेमॉन सॉर्ड एंड शील्ड के पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि आखिरकार हमने भाई जो जिम चैलेंज था ना भाई, वो कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। एंड जिम चैलेंज कंप्लीट करने के बाद हमको यहाँ पे भाई इस रेस्टोरेंट में बुलाया गया। लेकिन भाई इस रेस्टोरेंट में जाने से पहले गाइस, आगे का ये जो गेम प्ले है, आज की ये जो वीडियो है, वो शुरू करने से पहले अभी तक 38% ऐसे बंदे हैं गाइस जो डेली मेरे चैनल पे आते, डेली मेरी वीडियोज देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। गाइस ऐसा क्यों गाइस? नीचे जो लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा के फटाक से ग्रे कर देना यार। फ्री है यार सब्सक्राइब करना, फटाक से भाई सब्सक्राइब कर दो। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आएगा तो भाई लाइक एंड शेयर कर देना वीडियो को। और गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में एनी के चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो उनके चैनल पे जो है ना अपनी भाई लेट्स गो पिकाचू एंड पोकेमॉन वाली सीरीज काफी ज्यादा जल्दी शुरू होने वाली है। अगर आपको देखने है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करके आ जाना गाइस। ठीक है, तो चले गाइस बिना किसी देरी के आज का एपिसोड करते हैं शुरू, लेट्स गो। तो यहां पे गाइस हमको इस रेस्टोरेंट में बुलाया गया, तो जाके अंदर देखते भाई क्या सीन चल रहा है। ओके, तो कहाँ पे भाई सर जी? हाँ ये रहे, यहाँ पे अपनी दीवानी भी है रे सोनिया। कैसी है सोनिया जी? ओके, लेट सेलिब्रेट योर विक्ट्री। ओ माय गॉड, अच्छा ओके, वी आर इनवाइटेड टू। अच्छा मतलब यहाँ पे भाई मेरी विक्ट्री भाई सेलिब्रेट करी जाएगी, मतलब यहाँ पे पार्टी दी जा रही भाई। पावड़ी हो रही है, पावड़ी हो रही है, पावड़ी। ओके लेट्स गो। ओ माय गॉड, हे जाम, आई हैव वाइन बीन मस्त बेकी, वोडका बिड़का, चाल बोटर वोडका भाई। ओके ओके, सी फूड टाउन। ओके लेट्स गो। अभी ये क्या बातें चाहते करते हैं मैं आपको बता देता हूँ उनको। 2 hours later ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई थोड़ी सी बातचीत हुई भाई डायनामैक्स करने के बारे में पोकेमोन को, उसके बाद कुछ और भी बातचीत उनकी हुई। ठीक है, उतनी मेरे को कुछ समझ में नहीं आई। ओके लेकिन उसने भाई सोनिया ने मेरे को कोई तो चीज़ दी भाई, होप यहाँ पे ही खड़ा है भाई, पता भाई क्या हुआ भाई। ओके ओके लेट्स गो। ओके आई शेयर द लीडर डी अबाउट द लीडर काबू। अच्छा काबू कौन है भाई ये? ठीक है, अगला वाला अपना जिम चैलेंज होगा भाई, उसके बारे में हमको यहाँ पे बताया जा रहा है शायद। ओके ठीक है लेट्स गो। गैलर माइन नंबर 2 और सर लेट्स गो टू सी अबाउट दिस अबाउट। ओके ठीक है लेट्स गो। ठीक है चलो, अभी वो जो ब्रिज था ना वो अनलॉक हो चुका होगा, तो फटाक से वहाँ पे पहुँचते। ठीक है, अभी यहाँ पे भाई वो बंदे लोग नहीं होंगे मेरे हिसाब से। ओ नहीं है ये। ओके लेट्स गो चलो। ठीक है थोड़ा सा आगे। ओ ये माइन है। ओके ओ यहाँ पे कौन से पोकेमॉन से, ये क्या चीज है भाई? एक मिनट रुक जाओ, ये कौन सा पोकेमॉन है? आई शेलोस। ओके ऑल राइट, काफी बढ़िया यार, काफी कूल लग रहा है यार। तुझा पोकेमॉन ले बाबा। ठीक है ले भाई, फ्लेम चार्ज ले ले, 24 लेवल। अभी हाई लेवल के पोकेमॉन आ रहे गाइज, काफी बढ़िया भाई। ये ग्राउंड टाइप है ना, ग्राउंड के ऊपर फायर भाई पानी यूज करा था क्या? ओह शिट, एंशिएंट पावर। ओके आई लाइक दिस पोकेमॉन। वेट, रुक जाओ। ओके लेट्स गो। ये इतना क्या लिख क्या है भाई, पोकेमॉन चेंज कर, वाटर टाइप निकाल। मेरे बैठे मेरे को पता चल चुका है इतना तो भाई। वाटर टाइप ग्राउंड के ऊपर यूज करना है ना शायद, इलेक्ट्रिक टाइप तो वर्क नहीं करेगा इतना तो पता है मेरे को। वर्क करेगा मेरे ऊपर? ओके उसने उसके ऊपर ही भाई यूज करा था वो। ओके ऑलराइट हियर वी गो, वाटर गन लगा दे। वाटर गन आई थिंक यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से भाई वर्क करेगी। ओ रिकवर कर दिया खुद को इसने, नाइस। ओ माय गॉड, एचपी रिस्टोर्ड भाई साहब। वाटर गन, ये वाटर गन नॉट वेरी इफेक्टिव। ग्राउंड वर्सेस कौन सा पोकेमॉन यूज करना था? मडशॉट देखता हूँ उनको। ग्राउंड के वर्सेस में वो भाई अपना साइकिक यूज करूँ क्या, या फिर फ्लाइंग टाइप यूज करूँ? ये भी नॉट दैट इफेक्टिव। ओके ठीक है रुक जाओ, नॉट दैट इफेक्टिव। ओके हियर वी गो, रुक जाओ पोकेमॉन चेंज कर। रो कोई फ्लायर यूज करना चाहिए क्या? इलेक्ट्रिक तो वर्क नहीं करेगा, फायर वर्क नहीं कर रहा। यामास एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है रुक जाओ, अपन एक बार यामास क्या पे ट्राई कर लेते हैं भाई। पोकेमॉन काफी अच्छा है यार, मेरे को इसको कैच करना है, लेकिन इसको कैच करने से पहले भाई मेरे को इसकी जो एचपी है ना भाई वो कम करनी पड़ेगी। ओ भाई साहब ये कौन सा, ओ भाई यामास की तो माँ की आग कर दी भाई इसने तो। भाई पोकेमॉन खतरनाक है भाई। ओके यामास ने भी उसकी काफी अच्छी तरह से भाई। ओके इंस्टेंट पावर खत्म। यामास की पेटी भाई वाह भाई वाह, ये मेरे को यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, इतना तो पता चल गया मेरे को। यामास यूज करके मैंने थोड़ी सी यहाँ पे भाई गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं। चलो यूज नेक्स्ट पोकेमॉन, ये वाला यूज करो। ये वाला कौन सा पोकेमॉन है? फाइटनिंग नॉर्मल घोस्ट टाइप पोकेमॉन। ओके ठीक है रुक जाओ, हियर वी गो, आजा मेरे बच्ची। ओके एक बार मैं बैग में से पोकी बॉल फेंक के देखूँ क्या,
कि ये भाई आता है कि नहीं अपनी पोकी बॉल में, एक बार रुक जाओ मैं पोकी बॉल यहाँ पे फेंक देता हूँ, आजा मेरे शेर, मेरे को थोड़े से और पोकी बॉल्स अभी भाई खरीदने पड़ेंगे यार। 2-3 हो गया भाई, आह शिट यार, ऑलमोस्ट रेडी ओके ठीक है भाई, रिकवर कर लिया भाई खुद को इसने। भाई साहब ये तो कतई ज्यादा ओपी तरीके से भाई भाई फुल कर रहा है, उसके बाद भाई अपने एचपी डायरेक्टली फुल कर रहा है ये पोकेमोन आंटी के। रुक जाओ, मिरर मिरर कोड या फिर काउंटर कौन सा है, काउंटर वाला कौन सा अटैक था भाई, वाटर पल्स ठीक है, वो ज़्यादा उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है भाई ओके ठीक है भाई, ये फेल्ड हो गया। वाह भाई मिरर वाला भाई लगा, एंशिएंट पावर वाह भाई वाह, इसके पास कितने अटैक है भाई, ओके मिरर वाला लगा, ओह भाई साहब ये काफ़ी तगड़ा था, ये काफ़ी तगड़ा था ठीक है। एक काम कर एक बार और भाई, एक काम कर एक बार और यहाँ पे पोकी बॉल यूज करके देख ठीक है, लेट्स गो एक और बार फेंक के देखता हूँ ठीक है, इस बार शायद आ जाएगा वन। अबे यार सीट यार ये मर जाएगा यार, ऐसे अगर मैं इसको एक और फटका मारूंगा ना टपक जाएगा भाई, टपक जाएगा भाई ये। ये वाला कौन सा अटैक था भाई, रुक जाओ, डेस्टिनी बॉन्ड ओके, इससे क्या होता है ओके ठीक है, यूज एंशिएंट पावर भाई टपक गया मेरे को लगा ये खतरनाक वाला अटैक होगा कोई भाई, फिलहाल के लिए इसको मार देता हूँ, रुक जाओ फिलहाल के लिए मैं इसको मार देता हूँ ठीक है, फिलहाल के लिए इसको पेलम पाल दे देते अपन ठीक है, रुक जाओ हियर वी गो फाइट ओके ठीक है, मिरर वाला यूज कर ले बाय बाय ग्रेट टाइम ब्रो ठीक है। अबे यार मैंने यूज, अच्छा ठीक है अच्छी बात है, चलो ये खुद के ऊपर ही यूज करा इसने ओके लेट्स गो ओके भाई ये अभी टपक जाएगा, ओ भाई वर्क नहीं करा ये क्यों, अच्छा ये जब ये अटैक यूज करता है तब भाई अपना ये वाला अटैक शायद वर्क नहीं करता है ठीक है ओके, बट इट फेल्ड ओके नाइस, काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया, यही जिंदगी में बचा हुआ था, आ जा भाई आ जा चल ठीक है, चलो इसको अपन कैच ही कर लेते ठीक है। चलो भाई मैं इसको मारने वाला था लेकिन भाई अभी चेंज करना ही है अपन को पोकेमोन, तो भाई इसको कैच कर लेता हूँ मैं ठीक है, रुक जाओ इसके ऊपर एम्बर फेंक देता हूँ ओके, हियर वी गो एम्बर फेंक, फ्लेम चार्ज कर लेते ठीक है, रुक जाओ फ्लेम चार्ज कर, थोड़ी सी एचपी इसकी कम हो जाएगी, अरे वाह इतनी ज़्यादा एचपी कम, वाह भाई वाह काफ़ी बढ़िया काफ़ी बढ़िया ठीक है, रिकवर भाई मजाक कर रहा है भाई, इतने मुश्किल से तो मैंने इसकी एचपी ये करी थी डाउन करी थी भाई, इसने भाई रिकवर यूज़ कर लिया भाई खुद के ऊपर, एम्बर डाल ठीक है, एक काम कर लेता हूँ रुक जाओ गेम यहाँ पे भाई फिलहाल के लिए कर दे भाई पॉज ठीक है, रुक जाओ भाई साहब रुक जाओ मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आता भाई, ये भाई सारे पोकेमोन को टपका देगा, मेरे को देखना है कि मेरे को ग्राउंड के वर्सेस भाई कौन सा पोकेमोन यहाँ पे यूज कर रहा है ठीक है, रुक जाओ मैं देखता हूँ उनको। तो गाइज यहाँ पे भाई हमको चाहिए होगा भाई बग टाइप या फिर ग्रास टाइप पोकेमोन, तो यहाँ पे मेरे पास एक बग टाइप पोकेमोन तो है भाई, मैं इसको यूज कर लेता हूँ ठीक है, निंजैक्स को यूज कर लेता हूँ ओके, ये भाई ठीक से वर्क करेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक टाइप भी है लेकिन भाई ठीक है, स्क्रैच लगा दूँ क्या, स्क्रैच लगा देता हूँ चल भाई ठीक है, चल भाई यूज स्क्रैच टडा ओके ठीक है ऑल राइट भाई, वापस से भाई इसने रिकवर कर लिया यार ठीक है भाई, मेरे को यहाँ पे ग्रास टाइप हाई लेवल का ग्रास टाइप पोकेमोन पकड़ना पड़ेगा यार काफ़ी ज़्यादा जल्दी, क्योंकि ये उतना ज़्यादा भाई अच्छे से वर्क नहीं कर रही यहाँ पे, मेरे को आई थिंक कल्टी मारनी पड़ेगी भाई, मेरे को लग रहा है मेरे को ऐसे कल्टी मारनी पड़ेगी, देखता हूँ ये क्या करता है ओके, मैं कल्टी मार देता हूँ ठीक है, रुक जाओ ये काफ़ी ज़्यादा लंबी खींच रही है भाई फाइट, इतनी ज़्यादा लंबी खींचनी नहीं चाहिए ठीक है, रुक जाओ या जाए अपन पहली फुर्सत में भाई कल्टी मार देते हैं ठीक है, और भाई पहले रिकवर करके मैं ग्रास टाइप एक पोकेमोन जो है ना भाई वो पकड़ने की कोशिश करूंगा यहाँ पे ठीक है, रुक जाओ यहाँ से भाई अपन मार देते कल्टी एंड एक ग्रास टाइप पोकेमोन पकड़ने की अपन कोशिश करते हैं ठीक है, रुक जाओ। तो गाइस यहाँ पे भाई अपना भाई दुश्मन बेड वापस से शो अप करने के लिए आ चुका है भाई, आ जा लोंडे चल फाइट लेनी तेरे को, फाइट लेनी है पप्पा से, फाइट लेगा पप्पा से, फाइट लेगा अरे भाई स्वैग देखो लोंडे का, बक तेरी माँ का साकी ना का, ले भाई अगर तेरे को फाइट ही लेनी है तो आ जा भाई ओके, आ जा पोकेमोन बॉटल बैटल ओके ठीक है ओके, सॉरी मैंने ये क्या कर दिया, स्किप कर दिया क्या, अच्छा ये जाने नहीं देगा मेरे को, अच्छा बेटा आ जा ले पंगे निकाल भाई, कौन सा पोकेमोन निकाल रहा है, मेरे सारे के सारे पोकेमोन वैसे मरने के लिए मर चुके हैं वैसे ठीक है, फिर भी तेरे को मैं पेलेगा भाई, ले भाई इसके पास वही फुद्दू पोकेमोन है भाई, ये वाला पोकेमोन नहीं, एक काम कर बैग में जा, रिवाइव यूज़ कर, रिवाइव कहाँ पे मेरे पास रिवाइव ठीक है, यूज दिस आइटम, इसकी तो भाई मस्त की पेटी बना के रहेंगे अपन ठीक है, रिवाइव यू यूज रिवाइव ओके ठीक है ऑल राइट, एक काम कर अभी ओके कर ले भाई कर ले यूज कर ले कोई दिक्कत नहीं, ओ भाई ये क्या अटैक है,
ओके ऑल राइट, इसलिए तो भाई पेटी बना दी भाई मेरी, ठीक है पोकेमोन आ जा भाई आ जा, इनकी तो भाई ले भाई। ओके पोकेमोन मैंने यहाँ पे स्विच कर लिया है भाई, ये ग्रास टाइप पोकेमोन है क्या वाटर टाइप है पता नहीं चल रहा भाई, जो भी हो भाई रुक जाऊँ, अपन पेटी इसकी बनाएगा भाई ठीक है भाई। वापस से यूज मत कर यार, अभी अभी तो बुलाया उसको रिवाइव करके, अबे भाई इसको अभी रिवाइव करा था साले मैंने, मजाक कर रहा है। एक काम कर रन कर यहाँ से भाई, रन करना है भाई, कल्टी मार देता हूँ रुक जाओ, मेरे को सबसे पहले मेरे पोकेमोन सारे के सारे रिवाइव करके लेके आने दो ठीक है, रुक जाओ कल्टी मार। अच्छा वाह, अपन भाग नहीं सकते ठीक है भाई, भाग सकते ना ठीक है, लास्ट चांस ओके ठीक है, चल भाई ले भाई मड शॉट दे, आई शाबाश नाइस, काफ़ी बढ़िया ठीक है, चलो भाई ये अकेला 1v3 करेगा भाई, आ जा ओके ऑल राइट, ओनली लिटल बिट टब ओके ऑल राइट, ये कौन सा अटैक था, ओह ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल नहीं बन गया भाई, गाइस बहुत तगड़ा मार रहा है भाई मेरे को अभी, ये बहुत ज़्यादा तगड़ा मार रहा है। तो गाइज यहाँ पे भाई हमेशा की तरह बीच फाइट में अपना गेम भाई क्रैश हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, अभी भाई ये अच्छा ही हुआ एक तरह से, हम भाई वो जो फाइट चल रही था ना उसमें से बाहर निकल गए, अभी मेरे को फटाक से जाके यहाँ पे जो है ना भाई, मेरे पास ग्रास टाइप पोकेमोन नहीं यार, ये सबसे बड़ी भाई प्रॉब्लम है यार यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे अपन चले जाते हैं अंदर एंड यहाँ पे सारे के सारे अपने जो पोकेमोन है ना भाई, इनको पहले हील कर लेते हैं ठीक है, रुक जाओ सबसे पहले भाई सारे के सारे पोकेमोन्स को यहाँ पे मैं हील कर लूँ, ऑल राइट ओके लेट्स गो, चलो ओके चलो यहाँ पे सारे के सारे पोकेमोन अपने हील हो चुके एंड अभी यहाँ पे एक काम करते फटाक से, यहाँ पे मैं और पोकेबॉल ले सकता हूँ क्या, कि मैं यहाँ से और पोकेबॉल ले सकता हूँ अच्छे वाले, आई एम हेयर टू बाय ओके। ये ग्रेड बॉल 600 का मिल रहा है क्या भाई, ले लेता हूँ ना फिर मैं 10 ग्रेड बॉल ले लेता हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे है, 6000 के हो जाएंगे यार, ठीक है मैं 10 ग्रेड बॉल यहाँ पे ले लेता हूँ ओके ऑल राइट ओके। एंड आई वन प्रीमियर बॉल ऑन हाउस ओके, क्या था भाई कोई तो प्रीमियर बॉल बोल रहा था मैं भाई, देखा नहीं उसने क्या बोला, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो यहाँ पे ग्रेड बॉल मेरे पास आ चुके हैं भाई, 13 हो चुके हैं टोटल ओके नो थैंक्स ऑल राइट। चलो भाई अभी यहाँ से अपन निकल लेते हैं एंड उस पोकेमोन के ऊपर अपन अपना जो ग्रेड बॉल है ना वो यूज़ करेंगे ठीक है, लेट्स गो। बस यहाँ पे यार मेरे पास ज़्यादा कोई खतरनाक वाले ऐसे पोकेमोन नहीं है यार, जो अभी फिलहाल के लिए दूसरे पोकेमोन से भाई पंगे ले सके, लेकिन फिलहाल के लिए अपन भाई बड़े बड़े और खतरनाक पोकेमोन कैच करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं कैच करूँगा, वो यहाँ पे कुछ नए नए अलग अलग आ चुके हैं भाई, ये तो पॉइजन, आपने मुझे पॉइजन फेंकता ना ये पोकेमोन ओके ठीक है, आ ही गया खुद तो भाई इसको फेलम पाल दे ही देते अपन ओके ठीक है ऑल राइट। 24 लेवल का है नाइस, ये यहाँ पे वर्क करेगा क्या पता नहीं भाई, फ्लेम चार्ज एक बार देखे देख ले, What the? Okay, काफी बड़ा, नाइस वन, 24 लेवल का है, काफी बड़ा। एक काम कर बैग में जा ओके, यहाँ पे भाई बॉल यूज कर ओके, हियर वी गो। वो प्रीमियर बॉल मिला मेरे को एक, अगर मैं 10 ग्रेड बॉल लेता हूँ तो उसके ऊपर शायद एक प्रीमियर बॉल मिलता है मेरे को, काफी बढ़िया भाई, आ जा भाई। अरे यार कच करके निकल गया भाई, ओ भाई क्या ही था भाई, एक ग्रेड बॉल यूज करता हूँ ना यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ मैं यहाँ पे ग्रेड बॉल यूज कर लेता हूँ एक, ठीक है प्रीमियर बॉल तो इसके लिए यूज नहीं करूंगा मैं, कोई खतरनाक सा पोकेमोन अगर मेरे को मिला ना तो उसके लिए भाई अपन प्रीमियर बॉल यूज है। व्हाट द हेल, रिवेंज ड्यूड, मजाक कर रहा यार ये है ले तुझे, रुक भैंस की अख्या मारू तेरे, मार पंच, अबे यार वीडियो अटैक यूज करा था भाई, दैट वाज अ क्रिटिकल हिट भाई, मेरे पास ऐसे कोई पोकेमोन ही नहीं हो जो आगे जाके मेरे को किसी ने बोला था भाई अच्छे और ओपी वाले पोकेमोन भाई कैच कर रहे ना, क्योंकि आगे जाके तुमको ऐसे पोकेमोन मिलेंगे ना वो एक फटके में तुमको मार देंगे, उस बंदे ने सही बोला था। नाइट सेट डाल, इसकी पीढ़ी बना भाई ओके। ये पंच इसको काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लगा भाई, सुपर इफेक्टिव था इसके ऊपर, मैंने शायद गलत पोकेमोन यहाँ पे निकाल लिया भाई ओके लेट्स गो। क्या हो गया ओके हियर वी गो, मर मत जा, मर गया भाई ठीक है, चलो मर गया अच्छी बात है मर गया ओके ठीक है। यामास का लेवल अप हो चुका है, इवॉल्व होगा क्या यामास रो ओके ऑल राइट, यामपर ओके यामपर की लेवल अप हो चुकी है ठीक है। चलो भाई लोग यहाँ मेरे को एक पोकेमोन कैच करना था यार,
इसको नहीं कैच करना, ये आ चुका है यार, मैं इसको मारू, इसको करूँ क्या वापस, ट्राई करूँ क्या इसके ऊपर? अरे भाई मैं किसको, किसके हाथ तो लग गया ओके ठीक है, ये कौन है, वो काफ़ी बढ़िया है भाई। ये वाला यूज मत कर, ये वाला पहली पुरुषार्थ में, अच्छा बग टाइप है ना, ग्राउंड टाइप में भाई बग टाइप भी यूज करना चाहिए वैसे, ठीक है स्क्रैच करके देख लेता हूँ क्या होता है सीन। वाह वाह पांडे जी वाह, इट्स नॉट दैट इफेक्टिव, मेरे को ग्रास टाइप चाहिए होगा यार। एक काम करता हूँ यहाँ पे ना, इनसे फाइट लेके कोई फायदा नहीं गाइस, ठीक है मेरे को यहाँ पे इनसे फाइट लेके बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि इनसे लड़ने लायक मेरे पास पोकेमॉन नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है रुक जाओ रन कर यहाँ पे रन कर। ओके चलो भाई यहाँ से अपन कल्टी मार लेते पहले, ठीक है अपन यहाँ पे भाई पहली फुर्सत में यहाँ से कल्टी मारेंगे, पहले मेरे सारे पोकेमॉन जो है ना मैं हील करके आता हूँ। ओके मेरे को हाई लेवल के एंड ओपी ओपी पोकेमॉन पकड़ने पड़ेंगे भाई, वो ओपी वाला पोकेमॉन तो है वहाँ पे, लेकिन फिलहाल के लिए भाई उनको मैं पकड़ नहीं सकता यार, काश मेरे पास भाई हाई लेवल के पोकेमॉन्स होते यार, ठीक है ऑल राइट। चल भाई अंदर घुस अंदर घुस अंदर घुस अंदर घुस, ठीक है एक काम कर भाई यहाँ पे हीलिंग कर लो, एंड मैं जो है ना भाई आगे की तरफ थोड़ा सा निकल लेता हूँ, मैं भी आगे की तरफ कोई खतरनाक सा पोकेमॉन दिखा ना तो प्रीमियर बॉल फेंक के मैं उसको कैच करने की कोशिश करूंगा वहाँ पे, ठीक है देखता हूँ मैं भाई, मिलना तो चाहिए खतरनाक वाला कोई ना कोई पोकेमॉन आगे की तरफ, देखता हूँ एयर वी गो ओप टू सी यू अगेन। ओके ऑल राइट, मेरे को स्टेशन पर बार बार जाने के लिए बोल रही है भाई, चला जाऊँगा भाई, आई एम हियर टू बाय। ओके अगर मैं यहाँ पे कितने पोकेबॉल ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ तो मेरे को वो एक प्रीमियर बॉल मिलेगा ना। ओके ऑल राइट, यू हैव वन प्रीमियर बॉल ऑन द हाउस, ओके नाइस। एकर अगर एक हाथ खरीद लेता हूँ तो प्रीमियर बॉल मिलेगा मेरे को, नहीं मिलता। 5 खरीद लेता हूँ तो ओके अरे अच्छा 10 खरीदने पे भी मेरे को मिलेगा, ठीक है अगर मैं 10 खरीद लेता हूँ तभी मेरे को मिलेगा वो प्रीमियर बॉल, प्रीमियर बॉल मैं 2-3 और खरीद लेता हूँ ना, ठीक है चलो मैं 10 यहाँ पे खरीद लेता हूँ। ऑल राइट हियर वी गो, मेरे पास 3 प्रीमियर बॉल हो चुके हैं गाइस, तो अभी तुम्हारा भाई एकदम मस्त भी की मचाने वाला, ठीक है बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम। चलो अभी मेरे को उस लोंडे को हराना है भाई, अपना जो दुश्मन है ना वो अभी भाई गुफा में खड़ा, उसको हरा देना है, अभी देखता हूँ मैं उसको हरा पाता हूँ कि नहीं। मेरे पास पोकेमॉन्स तो है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है उसको भी हराना, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, ठीक है रुको भैया पे कल्टी मारते मारते चल। इन सबसे मेरे को फिलहाल के लिए पंखे नहीं लेने, मेरे को पता है काफ़ी ज़्यादा ओपी वाले हैं ये पोकेमॉन्स, लेकिन मेरे को इनसे फिलहाल के लिए पंखे नहीं लेने। आजा लोंडे आजा 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 फाइट ले लेते, आजा आजा उतार तेरे पास जितने भी पोकेमॉन है भाई उतार भाई, सबकी बेड़ी बनाएगा भाई, 1v3 क्लच नहीं कर दिया ना तो बोल देना भाई, ठीक है हियर वी गो ऑल राइट ठीक है आजा भाई। ओके इसके पास गाइस 3 पोकेमॉन्स है, तो 3 पोकेमॉन्स से अपन को यहाँ पे पंगे लेने हैं, ठीक है लेट्स गो बेड। ओके ऑल राइट सोलूसिस, ओके ऑल राइट आजा भाई। वाटर वर्सेस फायर, ये वाटर ही है क्या, मेरे को पता भी नहीं है, ठीक है फ्लेम चार्ज एक बार ट्राई करके देख लेता हूँ मैं, ठीक है। ओ भाई साहब ये तो काफ़ी बढ़िया था, ओके स्पीड रोज, ओके ऑल राइट, ओके 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 ठीक है। ओ भाई साहब ये खतरनाक है भाई, ये अटैक खतरनाक है यार इसका, ये आता है कतई ज़्यादा ओपी भाई, क्या ही मारा भाई, क्या ही मारा लोंडे ने, ठीक है लेकिन बाय बाय ग्रेट टाइम। इसके बाद 4 पोकेमॉन है गाइस, अबे यार लिंग व्हाट, इसने एचपी रिस्टोर कर दिया अपने पोकेमॉन की, ठीक है भाई मैंने वापस से डाउन कर दिया, मेरे हिसाब से अभी अपना फ्लेम एक काम कर अपन भी एचपी रिस्टोर करेंगे। भेज के किया है ले, तेरे पास ये क्या भाई, तेरे पास ये क्या भाई, हील फुल हील ने भाई, पोशन हाँ पोशन खा ले भाई नॉर्मल वाला। ओके चल भाई यूज अ पोशन, ओके चल भाई ले भाई, ओके थोड़ी सी एचपी मैंने भी बढ़ा दी है, चल आ जाओ वापस। इसने भाई वो वाला अटैक यूज करा है यहाँ पे जिससे काफ़ी ज़्यादा, आओ भाई 3% भी बचा हुआ हूँ मैं, क्रिटिकल हिट भाई। ओके फाइट कर भाई, ओके ठीक है फ्लेम चार्ज डाल, फ्लेम चार्ज कम ऑन ड्यूड, व्हाट सेड शॉट, आहा कैसे कैसे लगा मेरे बाची, हैं हैं गया उतार भाई दूसरा पोकेमॉन भी उतार, देखते हैं दूसरा कौन सा है इसके पास। ओके ओके ऑल राइट चलो भाई, ओके ठीक है नहीं कीप करंट पोकेमॉन। ओके ये कौन सी पोकेमॉन है, छोटी सी क्यूट सी, ठीक है बैग में चल, पोशन ले लूँ क्या मैं, एक पोशन खा लेता हूँ। ओके ठीक है हियर वी गो, थोड़ी सी एचपी तो भाई अपनी बढ़ जाएगी यहाँ पे, फुल हेल्थ में यूज नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है 23 एचपी रिस्टोर्ड ओनली। ओके अबे ये सारे के सारे के पास सेम अटैक है क्या, सब आके ये अटैक दिए जा रहे हैं भाई, सबके पास एक ही अटैक है क्या, मेरा फ्लेम चार्ज काफी ओपी है भाई लेकिन सबके सामने ले भाई
पहली फुर्सत में सबको पेल रहा है भाई, ठीक है भाई रुक जा, अबे नहीं अबे यार शिट गया मैं गया, कोई दिक्कत नहीं, चलो भाई ओके हियर वी गो। यहाँ पे यूज कर ये कर लो क्या, घोस्ट टाइप पोकेमोन, ठीक है रुक जाओ, घोस्ट एंड फाइटिंग टाइप है शायद ये, आ जा मेरे शेर, ठीक है फाइट, मिरर वाला यूज कर ले भाई, मेरे को इसके अटैक ज़्यादा पता नहीं है भाई कौन कौन से है, वर्क करेगा घोस्ट टाइप के ऊपर ही अटैक, ए उतना ज़्यादा वर्क नहीं करा भाई, ओके नाइस काफ़ी बढ़िया, बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम। खतरनाक भाई ये पोकेमोन मैंने भाई तुक्का मार के यहाँ पे भाई उतार दिया है, लेकिन ये खतरनाक भाई यहाँ पे फाइट ले रहा है भाई, ठीक है ऊपर से ये लेवल अप भी हो चुका है भाई, नाइस ओके लेट्स गो। नहीं भाई अभी अपन यही पोकेमोन रखिएगा भाई, यही पोकेमोन रखिएगा और इसके दोनों के दोनों पोकेमोन को पेलम पाल दे दूंगा। ओ भाई ये कितना खतरनाक और खूबसूरत पोकेमोन है यार, ये नहीं यूज करेगा अपन, हाँ मिरर वाला यूज करता हूँ एक और बार, फेरी माइंड ओके भाई इसका फेरी माइंड उतना ओपी वर्क नहीं कर रहा, मेरा मिरर वर्क कर रहा है लेकिन मेरा मिरर भी उतना ओपी वर्क नहीं कर रहा। ये थर्ड वाला अटैक कौन सा एक बार मेरे को देखने दो, ये थर्ड वाला अटैक कौन सा था भाई, इसे क्या हुआ, अच्छा भाई इसे क्या हुआ पता नहीं भाई, ठीक है लेट्स गो ओके फेरी माइंड ऑल राइट वापस से ओके चल भाई मार दे, तो क्रिटिकल काय का हिट भाई, वो क्रिटिकल हिट कहाँ पे था, ये रहा भाई इसे बोलते क्रिटिकल हिट, ठीक है ये ले भाई एक और बार ले ले एक और बार ठीक है चल भाई भाई इसका ये भी थर्ड वाला पोकेमोन भी भाई खत्म, स्वाहा टाटा बाय बाय ओके बाय बाय ग्रेट टाइम। अबे यार जरा से के लिए बच गया यार, फर्स्ट वाला अटैक कौन सा था भाई, काउंटर वाला भाई, ये एक ही अटैक यूज करे जा रहा है फेरी माइंड वाला, और कोई अटैक यूज ही नहीं कर रहा भाई, काउंटर से क्या होता है, काउंटर यूज कर रहा था लेकिन वो फेल हो गया ओके ठीक है ऑल राइट कोई दिक्कत नहीं भाई, भाई बार बार एक ही अटैक यूज कर रहा है, वैसे मे भी भाई मिरर वाला अटैक यूज कर रहा हूँ वो अलग बात है। चलो भाई इसके तीन पोकेमोन की तो पेटी बन गई भाई, उतार भाई फोर्थ पोकेमोन भी उतार भाई, कौन सा पोकेमोन देखता है भाई, इसका फोर्थ वाला भाई कतई ज्यादा ओपी होने वाला है पोकेमोन ऐसा मेरे को लग रहा है भाई, ठीक है रुक जाओ ओके हियर वी गो। तीना स्विच पोकेमोन, अभी करूँ क्या स्विच, यामास ले लूँ क्या, यामास ले लेता हूँ ना एक बार, ग्राउंड एंड घुस टाइप है ठीक है रुक जाओ ले लेता हूँ ठीक है, क्योंकि इसकी एचपी थोड़ी सी कम हो चुकी है, मैं एचपी पोशन बाद में भाई यूज करने के लिए यहाँ पे बचा के रख रहा हूँ, अभी ये देखते हैं यामास में से इवॉल्व होने वाला है ना कुछ टाइम बाद ओके ऑल राइट। ये कौन सा पोकेमोन है, हाँ ये भी साइकिक टाइप लग रहा है कोई तो पोकेमोन मेरे को ओके नाइट शेड, ये हेक्स वाला अटैक कर लेता हूँ ठीक है, हेक्स वाला अटैक भाई काफी अच्छा है, आ यस ओह भाई साहब ये खतरनाक था भाई, सुपर इफेक्टिव नाइस ओके ओके आई ट्राई दिस मूव ओके कौन सा भाई बीन, ओ भाई साहब ओके काफी अच्छा था लेकिन उतना अच्छा नहीं था भाई, बाय बाय खत्म टाटा बाय बाय स्वाहा, हो गया भाई इसका हो गया खत्म, ये भी पोकेमोन गया भाई, चल भाई हो गया भाई तेरा काम 25 हो गया यहाँ पे, बहुत ज्यादा भाई एटीट्यूड दिखा रहा था भाई ये लोंडा, इसको मैंने भाई मस्त भी यहाँ पे हरा दिया है ओके एंड अपना एक पोकेमोन की यहाँ पर की लेवल अप हो गई भाई, ठीक है चलो लेट्स गो। क्या हो गया गुस्सा आ गया लोंडे, हाय हाय ठीक है भाई 2000 पॉइंट इसने दे दिए मेरे को, काफी बढ़िया भाई, इससे अपन बैटल यहाँ पे जीत चुके हैं ब्रेक, ओ भाई साहब इट्स माई मस्ट टेक बैक माई वर्ड्स ओके लेट्स गो ओके यू आर नॉट वीक यू जस्ट लैक टैलेंट ओके ओके ठीक है चल भाई अभी भाई हवा दे भाई निकल ओ ये क्या दे दिया इसने मेरे को, एक लीग कार्ड दे दिया ओके ये विशिंग स्टार कलेक्टिंग के लिए जा रहा है शायद ओके ठीक है लेट्स गो। चलो भाई यहाँ पे भाई मैं गेम सेव कर लेता हूँ क्योंकि भाई किसी भी वक्त यहाँ पे भाई गेम क्रैश हो सकता है, तो कस करके यहाँ पे गेम अपन कर लेते हैं भाई सेव एंड इस गुफा से मैं बाहर निकल लेता हूँ, इस गुफा में अपन बाद में आएंगे क्योंकि इस गुफा में कतई ज़्यादा ओपी और खतरनाक वाले पोकेमोन जो है ना मेरे को भाई देखने को मिल रहे हैं। ये क्या था अबे भाई मेरे को लगा वहाँ पे कुछ गिरा हुआ है करके, ठीक है पोकेमोन यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, ये वाला यूज करूँ क्या, वाटर एंड ग्राउंड टाइप है ठीक है रुक जाओ इसको यूज कर लेता हूँ मैं, ठीक है इसको कैच करने की कोशिश करूँ क्या, वैसे हाई लेवल का तो है ही है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको कैच कर पाऊँ, ठीक है रुक जाओ। ओ ये भी तो मेरा भाई है भाई, इसने भी मड़छोड़ी मारा और मैं भी मड़छोड़ी मारने वाला भाई है, शायद इसको नहीं करना चाहिए फिलहाल के लिए, अरे सबसे इसको पकड़ना नहीं चाहिए ठीक है शायद भाई
ठीक है, सुपर इफेक्टिव, नाइस, काफी बढ़िया, ठीक है, ओके ठीक है, रुक जाओ। ओ भाई साहब गुस्सा हो गया भाई लुंडा, भाई साहब ये डैमेज काफी ज्यादा तगड़ा था यार, मरचौड़ एक और बार दे दे, ओके नाइस, काफी बढ़िया। एक काम गलत हो, अभी यहाँ पे भाई पोकी बॉल यूज करके देखता हूँ मैं इसको कैच कर पाता हूँ कि नहीं। आई थिंक नॉर्मल पोकी बॉल अपन अभी यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। ये क्या था भाई, आई कान फट गए भाई। ओके ये क्या था भाई, ये कोई तो अटैक था, इससे क्या होता है। ओके हियर वी गो, एक काम कर अभी यहाँ पे अपना पोकी बॉल जो है ना यूज करके देख लेता हूँ नॉर्मल वाला, ठीक है यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है हियर वी गो, नॉर्मल वाला मेरे हिसाब से वर्क नहीं करेगा। लो भाई ब्रेक फ्री, यूज रिवेंज भाई खत्म, रिवेंज से मेरी पेटी बनना कन्फर्म है। ओके पेटी बनी तो नहीं, एक काम कर ग्रेड वॉल यूज कर ले, ठीक है लेट्स गो। ग्रेड वॉल में तो आ जा भाई लुंडे, ऑल राइट, टू थ्री, ओके हो गया, कैच हो गया। भाई मजाक कर रहा है। तो गाइस यहाँ पे भाई अपना गेम भाई क्रैश हो गया था, तो अपन भाई अरे यार इसे फाइट नहीं लेने यार, मेरे को कहा है भाई, मेरे को फिलहाल के लिए फाइट नहीं लेने है भाई। भाई ये गेम भाई चलता कम है भाई, क्रैश ज्यादा होता है भाई। ठीक है मेरे सारे के सारे पोकेमॉन्स के अभी यहाँ पे भाई ओके ये पोकेमॉन काफी खतरनाक लग रहा है भाई। ठीक है रुक जाओ, ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है ना, मेरे पास कोई नहीं है ना भाई अभी फिलहाल के लिए, कोई भी पोकेमॉन नहीं है, इसको यूज करता हूँ। ठीक है चलो भाई लेट्स गो, इसी से इसको हरा देता हूँ भाई। ये गेम भाई कतई ज्यादा खतरनाक तरीके से क्रैश होते ही रहता है भाई, मेरे को ये भाई 5-5 मिनट में सेव करना पड़ेगा ऐसा मेरे को लग रहा है भाई। अरे क्या गुंडा बनेगा रे तू, अरे क्या गुंडा बनेगा, रुक जाओ हियर वी गो। ले भाई ये ले, वाटर गन दू या मडशॉट दू, मडशॉट दे देता हूँ ठीक है, रुक जाओ। ओके ये स्पिन भाई क्या गुंडा बनेगा, ले भाई ओके हियर वी गो, मार भाई मडशॉट, मार मार मडशॉट, पहली फुर्सत में निकल, बाय बाय ग्रेट टाइम। ओ भाई एक फटके में फेल दिया भाई, ओ माय गॉड ये तो कतई ज्यादा खतरनाक था भाई। ओके इतना ओपी ये पोकेमॉन है मेरे को खुद पता नहीं था भाई, वाह भाई वाह नाइस, कैसा लगा मेरा मजाक। ओके ठीक है भाई, ये भाई यहाँ पे हार चुका है और 2000 पॉइंट अभी इसने मेरे को दे दिए, वाह भाई वाह। ऑलराइट यहाँ पे भाई पोकी बॉल उठा लेता हूँ मैं, देखता हूँ इसके अंदर क्या मिलता है। नाइस 3 डस्क बॉल मिले मेरे को, ओके ये किस काम आते पता नहीं, बाद में अपन पढ़ लेंगे इनका डिस्क्रिप्शन। एक काम करते हैं गाइस, ठीक है आज का जो एपिसोड है ना भाई अपना पोकेमॉन का, ये हम कर लेते हैं भाई यही पे समाप्त, ठीक है क्योंकि ये काफी ज्यादा भाई बार बार क्रैश हो गया, लेकिन हमने भाई ये जो हमारा भाई नकचड़ा जो बेड था ना भाई उसको हरा दिया है। एंड अभी मेरे को इस केव से बाहर निकलना है, लेकिन भाई सामने मेरे को एक फाइट दिखाई दे रही है तो मैं वो अवॉइड करके भाई जाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है रुक जाओ। ऐसे अपन बाहर निकल लेते हैं, ले भाई एक और फाइट यहाँ पे ले लिया भाई, नहीं लेना रहे मेरे को फाइट, मेरे को जाने दो यार, ठीक है। तो ऐसे एक काम लेते हैं आज का जो एपिसोड है भाई पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का, इसमें बस इतना ही, आपसे मिलते हैं गाइस पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के अगले एपिसोड में जो ना अपन ओपी ओपी और खतरनाक वाले जो पोकेमॉन है ना वो कैच करने की कोशिश करने वाले गाइस, ठीक है वो पूरी करने वाले हैं, ठीक है मेरे को पता नहीं कि भाई अपन कैच कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अपन कोशिश तो करेंगे गाइस, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं गाइस पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको एक लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की, तो उनके चैनल को भी जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे गाइस अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर। You and me, and how careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook.